गहलोत आज बीकानेर दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही गांधी वाटिका का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से बने ऑडिटोरियम इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया, साथ ही यूनिवर्सिटी में ही बने साइकिल वेलोड्रम का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का लोगो एवं टी शर्ट का विमोचन किया। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की मशाल यात्रा के बीकानेर पहुंचने पर खिलाड़ियों को का उत्साहवर्धन सम्मान भी किया, साथ ही जल प्रदाय योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया सहित मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस वक्त मौजूद है राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा कृष्णा पूनिया, बात करेंगे। आज इतना बड़ा कार्यक्रम बीकानेर में आयोजन हुआ, आप इसके पीछे मुख्य भूमिका रही राजस्थान क्रीड़ा परिषद, क्या कहेंगे? जी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा थी कि हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक करवाएं, और आज वो मशाल यात्रा बीकानेर में थी, और इस उपलक्ष्य में इस मौके पे हमने वो मशाल यात्रा को बाड़मेर के लिए रवाना किया। साथ ही हमारे एथलीट्स जो अनुदान राशि थी उनकी लगभग 8 करोड़ के करीब राशि को आज हमने जारी किया, और साथ ही सबसे बड़ा कि हमने उस लोगों को भी अनावरण किया, टी शर्ट और लोगो जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में है हमारे। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम राजस्थान में घर घर में खेलों को लेकर जाएं और जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो देश के लिए मेडल जीतें। कृष्णा जी, एक बड़ी बात देखने में आई कि आज एक तरह से खेलों को लेकर बड़ी सौगातें बीकानेर में देखने को मिली, करोड़ों के अवार्ड कह सकते हैं बांटे गए, 5 लाख 9 लाख 2 लाख ऐसे ऐसे कई चीजें देखने को मिली, तो इसे ये देखा जा सकता है कि आज का दिन खेल के नाम कहा जा सकता है बीकानेर? मैं तो कहूंगी क्यों नहीं कहूंगी, क्योंकि बीकानेर संभाग में आज इतने प्रोग्राम हमने खेलों के लेकर किए हैं, तो आज का दिन स्पोर्ट्स का था बिल्कुल। और आपने देखा कि कितनी गैदरिंग हमारे एथलीट्स की भी थी, और आज उत्साह का माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर, और एथलीट की सुनी जा रही है, उन्हें आउट ऑफ टर्न नौकरी मिल रही है, उन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, तो कहीं कोई कमी नहीं है। कृष्णा जी, खेल और पॉलिटिक्स भी आजकल, खेल पॉलिटिक्स, जैसे कि चूंकि आप भी उसी में हैं, आप एमएलए भी हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह से ये अब इस भूमिका को देखते हैं? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, लेकिन अब मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि स्पोर्ट्स के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे हम खेलों को आगे कैसे ले जा सकते हैं, और हमारे संविधान की, लोकतंत्र की यही एक खासियत है कि हम नियम बनाते हैं विधानसभा में बैठ के, लोकसभा में बैठ के, और उन पे हमारे देश के नियम कानून जो चलते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में जब ये प्रोग्राम था, तो मेरी तो यही कहना है कि हम पॉजिटिव वे में हम राजनीति में जा रहे हैं। खिलाड़ी भी अगर राजनीति में आए तो क्या दिक्कत है, वो मैं खड़ी हूँ ना आपके सामने, और भी आ सकते हैं, औरों का भी स्वागत करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, ये थी कृष्णा पूनिया, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि खेल की अगर हम बात करें तो इनके लिए बड़े कार्यक्रमों का यहाँ पर बीकानेर में जो बड़ा आयोजन हुआ, और खेल में पॉलिटिक्स भी एक बड़ी बात कही जा सकती है, और बराबर एंट्री भी है। KK सिंह A1 TV बीकानेर।